सर, मेरा नाम सोनिया कटारिया है। मैं मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल चित्रगढ़ पट्टी में लगभग 6 साल हो गए सर मुझे यहाँ पे कार्यरत हुए। सर, जब यहाँ पे आए थे तो एकदम से सर बड़ा जैसे सरकारी स्कूल होते हैं बिल्कुल पर्टिकुलर सरकारी स्कूल की तरह ही था, कोई चेंज नहीं था। लेकिन सर, अब यहाँ पे जब से सर आए हैं तो सर के आने के बाद से 4 साल हो गए सर हेड सर को आए हुए, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं सर। सारा एटमोसफियर हमारा चेंज हो गया सर, जो टीचर्स का जो सोचने का नज़रिया है वही चेंज हो गया। तो सर, आप जैसे देख ही रहे हैं खुला माहौल है, बच्चे स्वच्छंदता से सर सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। सर, आप देख रहे हैं ग्रीनरी सर जहाँ पे है, सर के आने के बाद यहाँ पे सर ने बहुत ज़्यादा अपने अटेम्प्ट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं सर सारे स्कूल को सुधारने का, उन्होंने पूरा प्रयत्न किया है। सर, सरकारी सुविधाएँ मिली हैं तो ड्यूल डेस्क आए हैं सर हमारे पास, बाला पेंटिंग्स हैं सर, बाला पेंटिंग से सर सारा स्कूल ऐसे लग रहा है जैसे कलरफुल हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ड्यूल डेस्क आने से सर बहुत ज़्यादा चेंजेस सर बच्चों की जो सोच है और जो सरकारी स्कूल में सरकारी स्कूल के प्रति जो पेरेंट्स की सोच है सर, उस सोच में बड़ा बदलाव आया है। सरकार का कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है कदम ये। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा अच्छा सर, ड्यूल डेस्क सर अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा है। और सर, मैंने जैसे अपने बच्चों से भी बात करी तो वो बच्चे कहते हैं कि ऐसे तो बेंचेज हैं डेस्क हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में नहीं होते हैं, तो सर एकदम से सारा एटमोसफियर बहुत अच्छा लगता है। सर, दूसरी बात, हमारे स्कूल में से जैसे स्टाफ मेंबर्स हैं, बर्थडेज होते हैं, एनिवर्सरीज होती हैं, तो सर हम लोग सबका इनिशिएटिव यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी, जैसे सरकार का रहता है सर प्रयास कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, तो सर हम भी उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। और सर, हम अपनी तरफ से सर यही कोशिश रहती है कि हर स्टाफ मेंबर 1 या 2 पौधे स्कूल में ज़रूर लगाए। और सर, दूसरा सर हमारे ये भी रहता है कि बर्थडेज एनिवर्सरीज आते हैं तो हम अपनी तरफ से सर स्टाफ कंट्रीब्यूट करके हलवा और काले चने का जो प्रसाद सर हम बंटवाते हैं। सर, आज भी जैसे हमारे हेड सर के बेटे का बर्थडे है तो सर सारे स्टाफ ने कंट्रीब्यूट किया है, सर ने खुद 2 गमले यहाँ पे 2 पौधे लगवाए हैं सर आज बेटे के हाथों से, और सर खुशबू सर आपको आ रही है, तो हलवा सर हमारा प्रसाद आज तैयार है सर की तरफ से ये सारा। और सर, मिड डे मील का जो अरेंजमेंट्स रहते हैं सर, मिड डे मील में भी अब तो सर 2 महीनों से हमारा सारा मेन्यू चेंज है, तो सरकार ने सर जैसे जैसे मिड डे मील का सर मेन्यू डिसाइड किया है, रेसिपीज़ भेजी हैं सर, उसी अकॉर्डिंग ही हम लोग सारा खाना हमारा तैयार होता है। और जो हलवा सर हम महीने में 2 बार हलवा बनाते हैं तो सर वो हमारा देसी घी में हलवा बनता है। मेरा नाम पूजा रानी है और मैं सिरसा से ही हूँ, और यहाँ चित्रगढ़ पट्टी में मेरा सेंटर चल रहा है, एसटीसी सेंटर। यहाँ इसमें क्या है कि हम क्या डोर टू डोर जाके बच्चों का पहले सर्वे करते हैं, उसके बाद ये बच्चे हमारे पास बच्चे होते हैं ना, वो ड्रॉप आउट और नॉन स्टार्टर बच्चे होते हैं, और इनकी एज होती है 7 से 14 साल के तक की। और ये जो हमारा सेंटर है हुमाना के थ्रू चल रहा है, तो इसमें हम बच्चों को लेके आते हैं घर से, फिर इनको हम 9 महीने का ब्रिज कोर्स देते हैं। ब्रिज कोर्स देने के बाद हम बच्चों को मेन स्ट्रीम करवा के क्लासों में भेज देते हैं। जब ये बच्चे हमारे पास आते हैं तो इनके ना तो डॉक्यूमेंट होते हैं कुछ भी, और उससे सबसे पहले हम इनका आधार कार्ड बनवाते हैं, फिर हम इनकी टेम्परेरी फैमिली आईडी या फिर यहाँ बन जाए उनकी खुद की फैमिली आईडी बनवा के बच्चे का मेन स्ट्रीम करवा देते हैं और ब्रिज कोर्स देते हैं। ये राज्य सरकार की ऐसी स्कीम है जो किसी कारण विद्यालय छोड़ जाते हैं या विद्यालय में कभी नहीं आए ऐसे बच्चों को, और हमने डोर टू डोर जाके सर्वे किया और जितने बच्चों को हमने लेके आए, और हम उनसे रोज मतलब पेरेंट्स से बंद कर रहे हैं। सोमा रानी है, मैं ईवी एजुकेशनल वॉलंटियर जो कि HPPI के थ्रू हमारा सेंटा ने एग्ज़ाम लिया था उसके द्वारा हम यहाँ पे चयन होकर स्कूलों में आए हैं। तो हम ड्रॉप आउट बच्चों को या जो नॉन स्टार्टर बच्चे होते हैं उन बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं स्कूल में। ये मैं कहना चाहूँगी कि सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है कि उन्होंने हम जैसे वॉलंटियर को ऐसे काम के लिए चुना कि जो बच्चे बिल्कुल भी कभी स्कूल नहीं गए थे उन बच्चों को पढ़ाने का मौका दिया। हम सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक तरह से हमारे को रोज़गार दिया और दूसरी तरफ इन बच्चों को पढ़ाने का मौका दिया जो कभी स्कूल में ही नहीं गए थे।